नमस्कार, एक बार फिर से फेसबुक लाइव के जरिए हम आपके सामने एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा पिछले काफी दिनों से गर्माया हुआ है। जब वसुंधरा राजे की राजस्थान के अंदर गौरव यात्रा थी, तब यहाँ पर एक वर्ग, एक दल लगातार उनका विरोध कर रहा था। जी हाँ, 2014 में जसवंत सिंह की टिकट कटने के बाद वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी और कथित रूप से असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। 4.5 साल बाद अब वापस मैदान में है। आज हम राम सिंह गोथिया से बात करेंगे। जी हाँ, राजपुरी समाज के राम सिंह गोथिया एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका योगदान तारीफ काबिल रहा है। पार्टी के साथ ही लगातार जुड़े रहे हैं और 2014 के बाद से लगातार इनका जसवंत सिंह और मानविंदर सिंह से एक अलग स्वाभिमानी दल के रूप में इनकी पहचान है। आज इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 22 तारीख का जो ये महारैली का आयोजन करवाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। राम सिंह जी, सबसे पहले तो स्वाभिमान जो सेना है आपकी, ये जो आयोजन करवा रही है, इस आयोजन का अर्थ क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग, आपका स्वाभिमान दल क्या चाहता है? पिछले 4.5 साल से जो बाड़मेर में हमारे स्वाभिमानी दल, उनके साथ में जिस तरीके की हरकतें इस राजस्थान सरकार और हमारे तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने हर तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, उनको लेकर के और असली नकली बीजेपी जो हमने पिछले लोकसभा चुनाव में जो बात की थी, वही बात हम वापस आज उसी मुद्दे पे खड़े हैं कि असली और नकली बीजेपी की पहचान करने के लिए हमने ये 22 तारीख की जो सभा है ये बुलाई है। तो क्या माना जाए, 22 तारीख को असली बीजेपी में जो आप खुद को बता रहे हैं, आपका दल बता रहा है, वो नकली बीजेपी से किनारा कर लेगा, क्या करेगा इसके बारे में? तो 22 तारीख को ही हम लोग फैसला करेंगे। वह जनता की राय लेकर के हमारे साथ में जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख वोट जो जसवंत सिंह जी को मिले थे, वो लोग सारे वहां मिलकर बैठ करके बात तय करके फिर तय करेंगे हमको क्या करना है। राम सिंह जी, कितने लोग जो है वो आने की उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि वैसे बीकानेर हो, गंगानगर हो, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, हर जगह जनसंपर्क चल रहा है। खुद जो जसवंत सिंह जी पुत्र वधु है वो यहाँ पर सभाएं कर रही है, आपको कैसा पब्लिक से रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपको क्या लगता है कितनी भीड़ स्वाभिमानी सेना की हो जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी हमारे पास लोगों के फोन आ रहे हैं। वो अपने स्तर पे अपने वाहनों से, साधनों से आकर के या इस रैली में भाग लेंगे। और आंकड़े की जब बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाड़मेर की ऐतिहासिक रैली होगी, जोधपुर संभाग में ऐसी रैली नहीं हुई, इतनी संख्या यहाँ रहेगी, लगभग आप मान लो 2 लाख से पार रहेगी हमारी संख्या। अच्छा, ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जो जसवंत सिंह फैमिली है, मानविंदर सिंह जी अभी उनके सक्रिय राजनेता, उनके परिवार से वो सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में शिव से विधायक भी है, तो लोग ये कहते हैं सब 4.5 साल तक आपने तो पार्टी छोड़ी ना, आपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की। हाँ, ये अलग बात है कि जो जालम सिंह रावलोत हैं वो ये कह चुके हैं कि वापस हमारे मानविंदर सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, तो 4.5 साल की चुप्पी, उसके बाद भी भाजपा ये कह रही है कि साहब हमारे तो मानविंदर सिंह जी है वो हमारे साथ ही रहेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि मानविंदर सिंह जी वापस शिव से चुनाव नहीं लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, ये तय। अच्छा, विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ये तय है। दूसरे नंबर पर जब 4.5 साल की बात करें तो हम भी समय का इंतजार कर रहे थे, हम भी देख रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, हो सकता है पार्टी ने कुछ गलतियां कर ली हो। लेकिन मुख्यमंत्री से तो आप और आपके साथी लोग मिले थे आज से कई साल पहले, शायद एक कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उनके थ्रू आप मिले थे। हमने भी प्रयास किया, हमारे आदरणीय तन सिंह जी जो हमारे बाड़मेर के बड़े ठेकेदार भी है, हमारे बाड़मेर के माने जाने माने व्यक्ति है, उन्होंने ये प्रयास किया था कि भारतीय जनता, असली भारतीय जनता पार्टी जो सारे कार्यकर्ता घर पे बैठे हैं और जो पार्टी से दूर हो गए हैं, उनको पार्टी के साथ में बिठा करके इसका कुछ समझौता किया जाए, और उसके लिए हमारे 150 लोगों का दल बाड़मेर से, जो हमारी असली बीजेपी जिनको हम स्वाभिमानी दल कहते हैं, उनको वहां बाढ़ जयपुर लेके गए थे सचिवालय में, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उस समय के परिणामी जी के साथ में हमने 95 मिनट तक कंटिन्यू उनके सामने बैठ करके बात की, और हमने हमारी एक एक बात उनके सामने रखी थी, और हमने जो भी उनको ये भी बता दिया था किस तरीके से आप सब लोगों को साथ में लेके चल सकते हो। उनको हमने कहा था कि आप जसवंत सिंह फैमिली के साथ में बैठ करके बात कर लीजिए, और 4 लाख वोट जिन्होंने जसवंत सिंह जी को वोट दिए,
वो लोग भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं है, आप यदि उन लोगों को बिठा करके बात नहीं करोगे तो आने वाले समय में पार्टी की स्थिति बाड़मेर जसमेर में बुरी हो जाएगी। और हमने तो यहां तक उनको कह दिया था, आपके पास भी सारी रिपोर्ट आई होगी, हमने ये कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जसमेर के 50% बूथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विलीन हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा एक चीज और बताना चाहिए, अगर आप पसंद करें तो मैं पहले भी सवाल पूछा, 4.5 साल पब्लिक की एक सवाल होता है, 4.5 साल कुछ करना था आपने उस वक्त क्यों नहीं किया, अब जब चुनाव नजदीक आए तभी स्वाभिमान सभा स्वाभिमान दल ये क्यों याद आ रहे हैं? देखो 4.5 साल तक स्वाभिमानी दल के जितने भी सदस्य है जो राजनीति में है वो सारे लोग जनता से जुड़े हुए थे, जनता के कामों को देख रहे थे, जनता से हर समय हमारा संपर्क बना हुआ था, और हम ये देख रहे थे कि भाई हम सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और दूसरे नंबर पे ये था कि यदि हम उस समय यदि कुछ करते तो विधानसभा के चुनाव वापस कराने पड़ते, उपचुनाव कराने पड़ते, और पार्टी के साथ भी धोखा होता, जनता के साथ भी धोखा होता, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सिमर से चुनाव लड़ करके जीते थे, इसलिए हम नहीं चाहते थे इस तरीके की परिस्थितियां बढ़े। हमने 4.5 साल तक इंतजार किया और अब हम स्वाभिमान की लड़ाई वापस। आपके एक साथी हैं स्वरूप सिंह वकील वरिष्ठ अधिवक्ता है और एक गिरधर सिंह कोटड़ा है, उनका निलंबन जो कथित तौर पे था वो जैसे ही गौरव यात्रा यहाँ से गई उसने शाम को सैनी साहब ने ऑर्डर कर दी कि इन दोनों का निलंबन 4.5 साल बाद रद्द किया जाता है। आप क्या मानते हैं कि ठीक है, आपको कई प्रयास किए जा रहे हैं कि ये दूरी जो है पाट दी जाए? उसके बारे में तो आदरणीय स्वरूप सिंह जी और गिरधर सिंह जी ने अपना बयान दे दिया था, उन्होंने तो कह दिया था कि भले निलंबन रद्द करे नहीं करे हमें पार्टी की जरूरत ही नहीं, पार्टी को निलंबन रद्द करना होता तो 4.5 साल पहले कर देते, जिस समय मुख्यमंत्री जी से मिले थे उस समय भी ये बात उठी थी, उन्होंने उस समय भी नहीं किया। अच्छा, तो उनका जवाब तो उन दोनों ने अपने आप दे दिया। कुछ एक दो और अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे थे, पहला एक ये सवाल कि सिर्फ एक विधानसभा या लोकसभा पर्टिकुलर वही दाता दल के निशाने पर है या जितनी विधानसभा है उन सब में बीजेपी के खिलाफ प्रचार होगा? पूरे राजस्थान में ये स्वाभिमानी दाता दल नहीं, स्वाभिमानी दल है, स्वाभिमान हर जाति हर धर्म हर व्यक्ति और हर जिले में जिंदा है। आप अलग अलग हर जगह देख लीजिए, पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी के खिलाफ एक इस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से वसुंधरा जी ने 5 साल तक राजस्थान की गवर्नमेंट चलाई है, जितने भी चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो चाहे किसी जाति को देख लीजिए आप, किसी जाति कोई जाति इनसे संतुष्ट नहीं है, कोई वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है, तो स्वाभिमान तो सबका जिंदा है, हर जिले में हर राज्य में है और हर जाति धर्म में है, तो ये स्वाभिमानी लोगों का दल है। हनुमान बेनीवाल का आज एक बयान आया है उसमें मानवेंद्र सिंह को 30वें मोर्चे में इनविटेशन भेजा गया, तो कांग्रेस चलो 22 तारीख को फैसला होगा लेकिन क्या ऐसे किसी इनविटेशन को भी स्वीकार करने की स्थिति में है? इसके बारे में हम 22 तारीख को बात करेंगे। तो सर एक अंतिम सवाल है पूछ, आपने कहा मानवेंद्र सिंह जी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले मतलब लोकसभा की तरफ उनकी नजर है, तो क्या उनकी जगह चित्रा सिंह जी जो उनकी धर्मपत्नी है और जसवंत सिंह जी की पुत्रवधु है वो काफी एक्टिव है, क्या वो राजनीति में प्रवेश कर रही है? देखो परिवार के ऊपर जब संकट आता है तब परिवार के सारे मेंबर एक साथ होकर के मिलकर के उसका मुकाबला करते हैं तो उस संकट से निकल जाते हैं, तो चित्रा सिंह जी भी जसवंत सिंह जी परिवार की मेंबर है, हालांकि वो राजनीति में पहले से सक्रिय नहीं थी लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव को भी आप देख ले तो उस समय भी चित्रा सिंह जी बहुत सक्रिय थी और आज भी उनके परिवार के ऊपर जब संकट आया हुआ है तो चित्रा सिंह जी एक्टिव है। अब चुनाव लड़ना हो तो आगे भविष्य के रूप में है, कैसे होगा देखो, मतलब इस बार लक्ष्य है कि 2014 के बाद जो स्थितियां बनी थी वो 2019 के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो और वापस स्वाभिमान दल उभर कर सामने आए 4.5 साल। बिल्कुल सर 4.5 साल बाद आज लोगों की आप देख लो, जिन लोगों ने पिछले चुनाव में हमारा विरोध भी किया था जो पार्टी के साथ में खड़े थे वो सारे लोग हमारे साथ में खड़े हैं। एक 35 कौम और 36 कौम की बात होती है कि 35 कौम हमारे साथ है, हालांकि आपकी तरफ से नहीं लेकिन कई जगह से ये बात आती है, तो 35 कौम वर्सेज 1 कौम ये क्या है मामला? नहीं ये यदि कोई किसी ने कह दिया है तो वो गलत कह दिया है, हम तो ये कह रहे हैं 36 कौम हमारे साथ में, हम 35 कौम की बात नहीं करते, 36 कौम हमारे साथ में है, उसमें सारी जातियां हैं, कोई ऐसा जाति नहीं है जो हमारे साथ में नहीं है। चलिए अब एक लास्ट और एक फाइनल इंटरव्यू का सवाल की आपको क्या लगता है कि 22 तारीख है इसके बाद मानवेंद्र सिंह के लोकसभा से अगर कदम आगे बढ़ते हैं तो ये भी कानों में बार बार आ रहा है कि वो जालौर सिरोही से या फिर जोधपुर से या फिर बाड़मेर से चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्य केंद्र में तो बाड़मेर ही रहेगा।
अगर कोई मौका मिलता है तो? देखो पिछली बार भी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब जसवंत सिंह जी की टिकट काटी थी, तब उनको बाड़मेर को छोड़ करके राजस्थान में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी सच्चाई हमारे पास भी आ रही थी, सच्चाई कितनी थी हमें भी पता नहीं, कह रहे थे कि बाड़मेर को छोड़ के कहीं से भी चुनाव लड़ ले। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ये परिवार बाड़मेर उनका जन्म स्थान है और वो कर्म स्थल भी बाड़मेर जैसलमेर को बढ़ाना चाहते हैं। यकीनन जसवंत सिंह जसोल ने दिल्ली में बाड़मेर का नाम खूब रोशन किया, वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। बाड़मेर में इनकी टीम के मुख्य व्यक्ति राम सिंह बोतिया को माना जाता है और इनका स्पष्ट कहना है कि 22 सितंबर को जो फैसला होगा वो बाड़मेर की जनता के लिए फैसला होगा, बाड़मेर के स्वाभिमानी लोगों का फैसला होगा और उसकी तैयारियों में पूरी लोग जुटे हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि लाखों लोग जुटेंगे, न केवल राजस्थान से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग स्वाभिमान दल का समर्थन करने पहुंचेंगे। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि किस पार्टी में जाएंगे या पार्टी के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में और देखना यह है कि 22 सितंबर को कितना बड़ा फैसला बाड़मेर की राजनीति के इतिहास में होता है। फिलहाल 2014 के जो चुनाव थे वो जसवंत सिंह की वजह से हॉट सीट के रूप में बाड़मेर को पहचान दिलाने में कामयाब रहे और अब जो आगामी चुनाव है इसमें मानविंदर सिंह क्या राजनीतिक करवट बैठते हैं ये देखने की बात होगी। फिलहाल देखना